दिनेश जी, आज नेशनल मैथमेटिक्स डे करके सेलिब्रेट हुआ जो इधर नेशनल साइंस सेंटर में, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके काफ़ी आपने जिक्र किया, निजी प्रयास भी काफ़ी रहे इस चीज़ को, थोड़ा उसके बारे में कुछ खुलासा करिए। किस तरह के प्रयास, मतलब जैसे मैथमेटिक्स के शब्द? यस यस, ये तो रामानुजन का जन्म दिवस है और इसमें अकेले मैं नहीं, तमाम लोग भारत के गणितज्ञ और जो गणित के नहीं भी हैं औपचारिक तौर से भी जुड़े हैं। इरादा यही है कि रामानुजन के नाम से और उस माध्यम से गणित के प्रति भी जागरूकता उत्पन्न करें, लोगों में रुचि पैदा करें, और इसीलिए हम लोग जगह जगह कभी मौका मिलता है, कहीं से अगर निमंत्रण आता है तो आते हैं, बोलते हैं, तो इससे राष्ट्र का हित होगा। मैथमेटिक्स का आम जीवन में क्या उपयोग है? देखिए, हर गणितज्ञ की अवधारणा है, मेरी तो है, कि ईश्वर स्वयं गणितज्ञ है और यह संसार या विश्व उसी की करनी है। एक गणितज्ञ जब उसकी करनी देखे तो हर जगह वो गणित अंदर समा देता है। आप देख लीजिए, सोलर सिस्टम है, सारी प्लैनेट्स है, वो गणित के ही आधार पर उनको हम समझ पाते हैं, कौन कब कहाँ रहेगी, कौन से ग्रह कहाँ रहेगा, सब कुछ। रॉकेट उड़ाना है, गणित के आधार पर, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। हवाई जहाज को उड़ाना है, उतारना है, गणित के माध्यम से किया जाता है। आप जो है डिजिटल घड़ी पहने होंगे, उसके अंदर की पूरी सर्किट गणित के माध्यम से बनाई जाती है। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, गणित के माध्यम से। आप जो रेडियो में आवाज़ आपकी दूर तक जाती है आकाशवाणी बनकर, वो भी गणित के माध्यम से, नहीं तो कैसे होगा, यहाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ हजारों मील दूर लोग सुन रहे हैं, वो सब गणित के माध्यम से। कंप्यूटर के अंदर से जो इंटरनेट का काम होता है उसको गणित, हर जगह गणित ही गणित समाई है। इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर गणित, गणित तो सब जगह इस्तेमाल होती है। आज की जो गोष्ठी थी, एक आम व्यक्ति जिसने पहली बार शायद अटेंड करी होगी, तो क्या कुछ इस आयोजन में लोग ले पाए होंगे, ये जानना हो चाहते थे? मैं चाहता था कि लोग रामानुजन के जीवन से, उनके उदाहरण से और भारत के इतिहास गणित के संदर्भ में, जो इतना महत्वपूर्ण इतिहास है भारत का, उससे थोड़ा प्रेरित हों और थोड़ा आत्मविश्वास जगे, बस इतना ही। गणित तो यहाँ मैंने सिखाया नहीं, पर इससे भारत की जो धरोहर है उसको लोग समझे, प्रेरित हो, आत्मविश्वास जगे, उत्साह बढ़े, और फिर ये बात फैलेगी तो धीरे धीरे उसमें से हो सकता है और भी रामानुजन उत्पन्न हो, यही इरादा। जो युवाओं के अंदर गणित के प्रति रुझान पैदा हो, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, रामानुजन के पास तो कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई अच्छा टीचर भी नहीं था, फिर भी गणित में इतना आगे निकला। अभी गणित में दिक्कत आती है कि अक्सर, हमेशा तो नहीं, स्कूलों में गणित का अध्यापक बहुत अच्छा नहीं रहता है। मैं ये निंदा नहीं कर रहा, जैसा मैं चाहता हूँ उस तरह से प्रणाली नहीं है पढ़ाने की, तो बच्चे गणित से जो है थोड़ा मोड़ लेते हैं, अपने को अलग हो जाते हैं। यहीं पर मुझे लगता है कि उनका भी नुकसान है और भारत का है। तो बच्चे को चाहिए कि अच्छी एकाध पुस्तक सरल ले लें, और उस रामानुजन भी पुस्तक के माध्यम से बने, अच्छी पुस्तक सरल तमाम है मार्केट में, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, सब उसके नाम मिल जाएंगे, प्रयास करें और उसके माध्यम से पकड़ लेंगे तो आसमान की हवा लग जाएगी। यही चाहता हूँ। थैंक यू।